मैगजीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सरा फैसल। खूबसूरत शहर किसी भी मुल्क का मरकजी चेहरा होते हैं, एक ऐसा आईना होते हैं जिसमें वहां का कल्चर, तहजीब और तमद्दुन सब नजर आता है। कराची पाकिस्तान की मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। भारी जरे मुबादला कमाने वाले इस शहर के बेशुमार मसाइल हैं जिनको लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। टैक्स देने के बावजूद मसाइल या रहने वाले शहरियों की जिंदगी का हिस्सा है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। मिसल मशहूर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, यही हाल कुछ सियासतदानों का है। इलेक्शन करीब आते ही मुख्तलिफ इलाकों में सियासी कैंपेन शुरू हो जाती है, तरक्याती कामों की लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाई जाती है और इस हवाले से कई सुनहरे ख्वाब आवाम की आंखों में सजाए जाते हैं, लेकिन मौका मिलने के बाद ये ख्वाब सिर्फ सुहानी यादें बनकर रह जाते हैं। इन इलाकों की हालत चीख चीख कर अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रही है। बल्दिया टाउन के कुछ इलाके बुनियादी सहूलतों के फुकदान से दो चार हैं। गरीब आबादी वाले इस इलाके में सेवरेज, सड़कों की टूट फूट से लेकर पानी के बहरान ने एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। बढ़ती हुई महंगाई और नामसाइद हालात के बावजूद मजबूरन लोगों को पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है और आवाम ये सवाल कर रही है कि पानी की लाइनों में तो पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही, लेकिन हाइड्रेंट पे ये पानी कहां से मैसर हो रहा है। अब सियासत चमकाने के लिए हुक्मरानों को सिर्फ बातें नहीं, काम करना होगा। बल्दिया टाउन कराची का एक बड़ा रिहायशी इलाका है। लाखों अफराद वाली इस गरीब आबादी का कोई फुरसाने हाल नहीं, यहाँ बेशुमार मसाइल है। इलाका मकीन बुनियादी जरूरियात पानी बिजली से महरूम अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सड़कें टूट फूट चुकी हैं, सीवरेज का निजाम खराब है, खेल के मैदान होते हुए भी नहीं है, जगह जगह गटर खुले हुए हैं जहाँ रोज कोई ना कोई अफसोसनाक हादसा होता है। ऐसा लगता है कि इस इलाके को लावारिस बना दिया गया है। आवाम की लाचारी किसी को नजर नहीं आती, अलबत्ता वोट मांगने यहाँ सब आ जाते हैं। नाज़रीन, जिला किमाड़ी के तीन टाउन है, उनमें से एक बल्दिया टाउन है और बल्दिया टाउन में 11 यूसीज हैं। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये यूसी नंबर 11 सेक्टर 9 है और यहाँ के जो हालात हैं वो इंतहाई वर्स किस्म के हैं। जिधर मैं खड़ी हुई हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी गटर पे या किसी नाले में खड़ी हुई हूँ। टूटी फूटी सड़कें हैं, बेतहाशा मसाइल हैं, सीवरेज का बिल्कुल नाकस नकारा जो है वो निज़ाम है। रिहायशी बड़े परेशान हैं, स्पेशली मैं अभी क्योंकि जहाँ खड़ी हूँ वहाँ का मैं अगर आपको बताऊँ तो ये पूरी गली और वो वाली पूरी गली बहुत बुरा हाल है, सिर्फ और सिर्फ गटर का पानी नजर आ रहा है। यकीनी तौर पे लोग नमाज पढ़ने भी जाते होंगे और जब ये गटर का पानी गली में इतना भरा है तो घरों के अंदर भी आता होगा। यहाँ के शहरियों को क्या मसले मसाइल हैं, यहाँ की आवाम क्या कहती है, इन्होंने वोट किसको दिया था, क्योंकि अनकरीब अब दोबारा से जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं तो उसमें ये खुद अपनी किस्मत का फैसला करेंगे कि इन्हें यही निज़ाम चाहिए या अब निज़ाम तब्दील चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये यूसी 11 है, सेक्टर 9 है, ये पूरी गली मार्केट तक जाती है, तो ये इतनी बुरी हालत तो ऐसे है जैसे किसी ने इसे उधेड़ दिया या तोड़ दिया। ये ऐसी कंडीशन है कि इधर कोई पूछते ही नहीं है हमें, हमारी हालात तो हम बात भी नहीं कर सकते। जो आते देख के चले जाते, बोलते हैं काम करें काम करें, काम कोई नहीं करता। कौन आता है, कौन देख के चला जाता है? हर एक पार्टी के आते हैं हमारे पास अभी इन दिनों के अंदर, वैसे तो कोई आते ही नहीं है इन दिनों के अंदर। माशाल्लाह कौन कौन आ रहा है, झंडे भी मुझे आपके बड़े नजर आ रहे हैं लगे हुए। झंडे जी के देख लो, सारे पार्टी वाले आते हैं हमारे पास और यही हकीकत कर देंगे हम जीतेंगे, हम काम करेंगे जीतेंगे, और तब तक हम मर जाएंगे तो जो जीतेगा वो तो काम करेगा और क्या करेगा वो आवाम देखेगी। अभी किसको वोट दिए थे इससे पहले, अभी कौन है यहाँ पर? इससे पहले हम नून लीग को भी दिया और को भी दिया, जो आते हैं उसको देते हैं हम वोट, वोट के बाद फिर हमको एक भी नजर नहीं आता। सही, इनका कहना है इनके जो एमएनए है वो कादिर मंदोखेल हैं। अच्छा, ऊपर जो है मैं किसी भी जमात का नाम नहीं लूंगी, हमने सामने मुख्तलिफ जमातों के बैनर लगे हुए हैं। शर्म नहीं आती उनको जब वो इन टूटी फूटी सड़कों के ऊपर अपने बैनर लगाते हैं, तो वो ये देखते नहीं है कि नीचे हाल क्या है और ऊपर अपने झंडे लगा रहे हैं। किसको वोट देंगे अब? हम वोट उसको देंगे जो हमारे मसाइल को सामने नजरसानी करेंगे, उसके बावजूद हमारे
दावा करेंगे कि हम ये काम करेंगे। आपको लगता है यहाँ काम होगा? हमको तो कुछ नहीं लगता, पाकिस्तान में तो ऐसे ही आता है, हुकूमत आती है चली जाती है और उसके बावजूद काम उधर सही है। मसले मसाइल क्या है इस इलाके के? इस इलाके के जो है ना सबसे मेन मसला सर्विस का है, पानी का मसला है और बहुत दफ़ा जो है ना लाइटें भी यहाँ पे 12-12 घंटे 18-18 घंटे यहाँ तक कि इवन के पूरा दिन भी नहीं होती हैं। कई बार जो है ना हुक्मरानों को शिकायत वगैरह की गई, कोई तहरीरी शिकायत की गई, क्योंकि यहाँ पे यूनियन काउंसिल का ऑफिस भी है, वहाँ गए या जिनको वोट दिए थे उनसे कहा? इन दिनों में जो है ना बलदियाती नुमाइंदे यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, सही है। बार बार चक्कर लगा रहे हैं, उनसे हम जबानी भी कहते हैं कि भाई इन मसाइल को हल किया जाए, लेकिन वो खाली हमें वादे कर रहे हैं, वादे करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो भी तो आ रहे होंगे जिनको पहले वोट दिया था आपने? पिछले तो चले जाते हैं ना, दूसरे नई पार्टियां आ जाती हैं। यहाँ पे सारे मसाइल हैं, आप देखो रात को जो है ना कोई बीमार होता है या कोई भी मसला होता है, एम्बुलेंस या कोई सर्विस बुलाए कोई आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आपके सामने सारा हालात है और 10-15 साल हो गए पानी का नाम ही नहीं है। अब ये जब वोट लेने आते हैं जब तो सब कुछ बोलते हैं ना, कहते हैं कि आप 15 दिन के अंदर हम पानी ले देंगे, 10 दिन में दे देंगे, हम ये मसला हल कर देंगे, ये कर देंगे, ये गटर लाइने नहीं होंगी, ये फलाना होगा, ये जो यूसी जो है ना बदली कर देंगे। एक एक इलाके को भी सुधारें तो मुल्क हमारा कराची का कहां से कहां चला जाता। 70 साल से हुकूमत संभाली है, कोई मसाइल का हल सोचने वाला ही कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला एक सीवरेज का है, एक पानी का। अब ये पीछे आपके पीछे देखे पानी के वाल्स है जो बिल्कुल मिट्टी से भरे हुए बंद पड़े हुए, क्यों पानी नहीं आता है यहाँ पे। अब आप पीछे जाएं, आपको पहाड़ी से आप देखते जाएं कितने गटर हैं जो बिल्कुल चोक हुए पड़े हैं। ये कादरमंद खेल का इलाका है, MNA की सीट, जब यहाँ पे जब वोटिंग का टाइम होता है तो आपको रंग बिरंगी लोग नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब आप खुद ही देख रहे हैं हर किस्म का झंडा आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे सब मौजूद है इस वक्त, मगर काम के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे भागते हुए आ रहे हैं हमारे पास, मगर ये हमारे हालात देख लें, ये पानी ये चल रहा है। तो जब पानी जब यहाँ आता ही नहीं है तो पानी क्या करते हैं? खरीदते हैं 2500-3000 का एक टैंकर मिलता है, वो भी बड़े मुसीबत और परेशानी, क्यों यहाँ पीछे का हाइड्रेंट लगा हुआ है, गवर्नमेंट पानी बेचती है उसमें, वो पानी बेचती है तो लाइनों में पानी नहीं मिलता है। और यहाँ आप जाएं MNA के पास जाएं, आप MPA के पास जाएं, आप किसी भी दूसरे नुमाइंदे के पास जाए, वो आपको सिर्फ टाल मटोल करेंगे, बाकी क्लियर आपको कोई भी नहीं कर रहा है। सेवरेज का तो निजाम यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है दरिया बह रहा है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और ग्राउंड है यहाँ पर है। कुछ भी नहीं है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, आप सामने देखे कचरा कुंडी, यहाँ देखे कचरा कुंडी, खाली प्लाट जितने कचरा कुंडी कचरे के अंबार है, यहाँ तो मसाइल ही मसाइल है। ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से और कोई ऐसी सहूलत है। यहाँ जैसे अभी एक साहब ने कहा कि एम्बुलेंस बुलाते हैं, अल्लाह नहीं आती है एम्बुलेंस, बड़े मुसीबतों से तो क्या करते हैं फिर अपने होता, आप कोई टैक्सी पकड़ते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, और चोरी चकारियां लूट मार इस सड़कों के ऊपर जगह जगह आपको मिलेंगे, बस यहाँ सिर्फ वादे किए जाते हैं, काम कोई नहीं होता। ये सड़कें बिल्कुल सीवरेज की वजह से टूटी हुई, बारिश होती होंगी जब तो पानी घर के अंदर आता होगा। बारिश जब होती है यहाँ इतना पानी होता है घुटने घुटने, यहाँ से गाड़ी गुजरना मुश्किल हो जाती है, यहाँ से आप देखें तो दुनिया की गाड़ियाँ पसी हुई होती है, इतना घुटने घुटने पानी चल रहा होता है यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहते हैं हुक्मरानों से, क्या आप टैक्स नहीं पे करते ना? आप यहाँ पे एक पेंसिल खरीदने जाएं तो हम उस पर भी तो टैक्स देते हैं ना, मगर हमारा कोई नहीं है यहाँ पे, कोई पुरसाने वाले नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी सब नजर आ रहे हैं, जब इलेक्शन हो जाएंगे फिर यहाँ कोई भी नहीं होगा। पहले किसको वोट दिया था? एक कादरमंद खेल साहब, उनको दिए थे, पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। जी, पीपल्स पार्टी को। और अब किसको वोट देंगे? अभी इंशाल्लाह देखेंगे, अभी कोई हमारे सामने आएगा जो काम करके दिखाएगा, हमें इस मसाइल से निजात दिलाएगा, हम उनके साथ हैं। सुनहरे ख्वाब तो बहुत दिखाए जा रहे हैं, सुनहरे ख्वाब तो हर कोई दिखाता है, और यहाँ तो TLP का MPA होता था, खुद हमने उसका शिकल ही नहीं देखी आज तक, वो है कौन? नाम क्या है? कासिम फखरी साहब नहीं देखा कभी उनको? नहीं, हमने तो आज तक उन्हें देखा ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन वाले दिन हमने उन्हें देखा था एक दफा, वो भी ट्रक के ऊपर। अच्छा, उसके बाद से आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। सही है ना, यहाँ गाड़ियाँ तो वैसे भी आ नहीं सकती, तो ट्रक पे ही आएंगे। अब रोड ऐसे है, मेरे को यहाँ आके अभी तकरीबन 4 साल हो गए, मेरा कोई अजीज मेरे से मिलने नहीं आता यहाँ, वो बोलता है भाई यहाँ क्या है, हम गाड़ियाँ कैसे लेके आए, कोई गाड़ी वाला आने राजी नहीं होता है यहाँ। हमको पानी हर महीने के 2 टैंकर खरीदने पड़ते हैं, 6000 रुपये का महीने का पानी खरीदेंगे हम, वो भी हम इतने कफाई शारी से इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बच्चों को डांटते हैं कि बेटा पानी कम खोलना। गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है यहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल तो है ही नहीं यहाँ पे, एक भी एक आध अगर कोई मिलेगा तो मिलेगा। उधर पढ़ाई होती है, बच्चे जाते हैं? बच्चे जाते हैं, टीचर नहीं आते, बस ये होता है, सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं,
अब जगह जगह हर गली गली के अंदर प्राइवेट स्कूल। बायकॉट करेंगे फिर इन इलेक्शंस का, आप वोट देंगे या नहीं देंगे? हम तो नहीं देंगे किसी को भी वोट, ये हमने तो क्लियर बोल दिया कि हम इस दफा किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमारे मसाइल हल होंगे, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे तो हम आगे उनके लिए करेंगे। जब हमारे बच्चे खुशहाल नहीं है तो हमारे लिए क्या फायदा? हम दिहाड़ी पे काम करने वाले, रोज जाते दिहाड़ी पे आते दिहाड़ी पे काम करते, किराए के मकान में अपना गुजारा करेगा या पानी वानी या टैंकर वेंकर का काम करेगा, क्या करेगा मुझे बताओ? बिजली का बिल अदा करेगा या घर का खर्चा पूरा करेगा, अपनी बीवी बच्चों का करेगा, स्कूल का करेगा, कहाँ से करेगा? अब स्कूल की फीस जाके आप पूछो कितने की है, 3,000-4,000 रुपये फीस लेते हैं। चार बच्चे दो बच्चे अगर पढ़ाएगा तो किस तरीके से पढ़ाएगा? 8,000 रुपये अगर बिल ले तो कहाँ से भरेगा वो? 10,000 रुपये तनख्वाह में वो काम करता, अपना खाना खाएगा, बच्चों को खिलाएगा या बीवी बच्चों को खिलाएगा, क्या करेगा खुद? ये हमारे हुक्मरान है, हलफनामा तो उठा लेते, कसम तो खा लेते, मगर हमें तो नहीं मंजूर है कि ये हलफनामा उठाते होंगे, कसम तो ये नहीं खाते। सिर्फ कसम सुबह खाई, शाम को भूल गए कि हमने कसम खाई। कुछ दिन मीडिया लेके आई हो, आप किसके लिए लाई हो? हमारे लिए लाई हो, गवर्नमेंट के लिए? तो आपके लिए लेकर आया ना? हमारे लिए लेके हमारे लिए कौन सा काम करा के जाओगी? आप मेरे को बताओ, इसके बाद आप वापसी आओगी मेरे? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास क्या ताकत है? आपके पास ताकत है, आप जाके आप लेके आओ गवर्नमेंट। मेरे पास ताकत क्या है? दिखाने की ताकत है ना? आप दिखाने की ताकत है? बस मैं यही दिखा सकती हूँ। आप मजदूर है ना? आप मजदूर है, आप क्या काम करते हैं? कलर का काम करते हैं। आप कलर ही कर सकते हैं या दीवार तामीर भी आप करेंगे? और जो आप काम कर सकते हैं वही करेंगे ना? वही करेंगे ना? तो मैं जो काम कर सकती हूँ वही करूँगी। मेरे पास दिखाने की ताकत है और मैं दिखा ही सकती हूँ। मैं सिर्फ जो आप जैसा कह रहे हैं वैसा दिखा सकती हूँ, मेरे पास यही ताकत है। मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है जिसे मैं रगड़ के उन हुक्मरानों को उनके घर से पकड़ के लाऊं और उनसे ये काम कराऊं। ये तो कानून सख्त होंगे, आवाम उनके खिलाफ निकलेगी, तभी कुछ हो सकता है। हम बातें और दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही देखा है, इतनी बातें और दावों के बावजूद जब वोट की बात होती है तो आपका वोट तो उन्हीं के हक में पड़ जाता है। हकीकत यह है, यहाँ किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, अक्सरियत नहीं है, किसी पार्टी की भी नहीं है, और सब ने हमको ऐसे रौंदा हुआ। ये तमाम पार्टियाँ क्यों नहीं काम करती कि यहाँ किसी की अक्सरियत नहीं है? मेरी पार्टी कहती है कि जब तक मेरी अक्सरियत नहीं होगी मैं काम नहीं करूँगा। इस इलाके को ऐसे ही रहने दो, काम करोगे तो अक्सरियत बनेगी ना भाई। ये कागजों में 10 बार रोड पक्की हुई होगी। सही है, जरा कैमरा आपको दिखाएगा इधर भी और इधर भी। ये रोड यहाँ पर साहब का कहना है कागजों में 10 बार पक्की हो चुकी है, और कितनी पक्की है वो आपको कैमरा बखूबी दिखाएगा। ये आप देखें, और इस वक्त हम सेक्टर 9E में मौजूद हैं। ये बेसिकली एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड को ही 9E कहा जाता है, और यहाँ पर हमारे साथ सोशल वर्कर मौजूद हैं अशफाक साहब, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक साहब, हमने वहाँ तो देखा कि गलियों की हालत बहुत खस्ता थी और वहाँ के जो रिहायशी थे वो बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे थे जी। यहाँ भी हमने सुना कि जो है इलाका मकीन यही कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो News 1 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फर्स्ट टाइम हमारे इस एरिया के अंदर आए और हमारे इस मसाइल को उजागर करने की कोशिश की। News 1 फर्स्ट टाइम आया है या कोई मीडिया ही फर्स्ट टाइम आया? नहीं, यहाँ पे इससे पहले कोई चैनल नहीं आया, ये News 1 जो चैनल है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि ये आवाज़ हमारी हुकाम बाला तक जाएगी। असल में आपने इससे पहले भी 2-3 गलियों का और मेन 9 नंबर मार्केट का विज़िट किया, इस वक्त जो है UC 11 की, इसमें तकरीबन 12 सालों से यहाँ पे पानी बिल्कुल बंद है। जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, यहाँ पे MNA है कादर मंदुखेल साहब और MP है मलिक शहजाद अवान साहब, वो यहाँ के MP है, और जब से पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत आई है, इससे पहले यहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियात इलेक्शन लड़ी हैं, जिस तरह फैसलवाड़ा साहब थे, उसके बाद थे अपना मिफ्ता इस्माइल साहब, वो इलेक्शन लड़े। इन्होंने इस आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया है, इतना बेवकूफ़ बनाया है कि वो आज फैसलवाड़ा जब जीता था तो वो कचरे के ढेरों के ऊपर खड़े होकर ये ऐलान करता था कि मैं इन कचरे के ढेरों को ख़त्म करूंगा, मैं इस बल्दिया को पेरस बनाऊंगा। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि अभी तक वो उसकी हमने वापस जब से इलेक्शन जीत के गया वापस यहाँ पर नहीं आया। हम शहबाज शरीफ, ये इस एरिए से शहबाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ा है,
तो जब शहबाज शरीफ ने लड़ा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम इलेक्शन हारे या हम जीते हैं, इस इलाके को हम पेरिस बनाएंगे, हम इस इलाके को क्या से क्या कर देंगे। लेकिन अफसोस आपने विजिट किया, वो आपके सामने। ये आप मेरे पीछे देखेंगी, ये 9 नंबर की मार्केट जिसके अंदर एक एक प्लाट करोड़ों रुपए का है, लेकिन यहाँ पानी नहीं आता। तो उसकी एक वजह है, मेन बुनियादी वजह ये है, यहाँ पे हाइड्रेंट है, वो हाइड्रेंट के ऊपर एक गाड़ी 3 मिनट में भरती है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि लोगों के घरों में पानी नहीं आता। घरों में पानी इसलिए नहीं आता कि वो अगर टैंकर माफिया अगर वहाँ पे पानी बंद हो जाएगा, लोगों के घरों में पानी आना शुरू हो जाएगा, उनका माल पानी बंद हो जाएगा। असल यहाँ पे मसला ये जो ये इशू बन रहा है ना कि ये बारिश का पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है। ये सालों साल ये जो है ये बल्दिया को इन्होंने खंडरात बना दिया। ये शहर जो माचिस की डबिया के ऊपर टैक्स देता है, ये पेंसिल के ऊपर टैक्स देते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये इसी शहर के साथ ये रवैया। इससे पहले इस एरिया के अंदर पानी का टैंकर बिकता था 1200 रुपए का। जब से कादर मंदुखेल साहब इस एरिया के MNA मुकर्रर हुए, मुंतहिब हुए, उसके बाद इस एरिया का टैंकर बिकता है 3500 रुपए का। ये हाइड्रेंट मैं सबूत के साथ, बड़े प्रूफ के साथ ये कहता हूँ कि ये हाइड्रेंट कादर मंदुखेल साहब का खर्चा बर्दाश्त करती है। मैं कोशिश करूंगी कि कादर मंदुखेल साहब से भी बात की जाए और उनका मौकफ भी जानने की कोशिश की जाए कि ये जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। वोट के लिए हमारे पास आते हैं, जब मुंतखब होते हैं तो हमें भूल जाते हैं। ए जालमो, गरीबों की तरफ देखो और इनकी मदद करो। ये भूख से मर रहे हैं, ये प्यास से मर रहे हैं, गंदगी से मर रहे हैं। अल्लाह का खौफ खाओ और अगर तुम में हया है तो गरीबों की तरफ देखो ताकि गरीबों के मसले हल कर सको। इन जालिम हुक्मरानों के लिए हम क्या कुछ करते हैं, धक्के खाते हैं, दौड़े खाते हैं, लेने से खड़े होते हैं, इनको वोट देते हैं। जब हम इनका वोट मुकर्रर हो जाता है, ये कहते हैं हम जाते हैं, मुलाकातें नहीं करते, हमसे छुपते हैं। सही से वोट लेने आते हैं, क्या दावे करते हैं? कादर मंदुखेल ने वादा किया था कि हम 1.5 साल में 3.5 साल जितना काम करेंगे, एक फुट काम नहीं किया, कहीं किसी लाइन के ऊपर कोई ढक्कन नहीं रखा, बच्चे ढक्कनों में। तरक्कियाती बजट भी तो मंजूर होते होंगे ना, वो कहाँ जाते हैं, किसके जेब में जाते हैं? उनका अपना नहीं पूरा होता, उनको गाड़ियाँ लेके दे रहा है जो उसके खास कुरिंदे हैं, उनके पास बेजारों हैं। हम सब गरीब लोग मजदूर हैं और 1200 देते देते 3500 तक आ गए हैं एक गैलन। फर्स्ट टाइम में मैं यहाँ के एरिए में मीडिया को देख रहा हूँ। इस तो पहले मेरे 22 साल यहाँ हो गए, 9E के सेक्टर में रिहायश है मेरी, तो मीडिया नहीं देखी। यहाँ की ऐसी अवाम है जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है, वो 3500 का टैंकर पानी का लेते हैं। वो भी हमारे पास आता है, हमें सवज बाग दिखा के, बड़े बड़े बाग क्या दिखाए जाते हैं, ये भी काम आपका होगा, पानी भी आ जाएगा, आपका ग्रोन भी, रोड भी पक्के हो जाएंगे। सेहत के क्या मसाइल हैं यहाँ पर? सारे बच्चे बीमार हैं, ये कचरा है, गंदगी है सारी, देखो ये गटरों के पानी बह रहे हैं सारे, ये कचरे को देखो सामने बिछा हुआ है, तो ये बच्चे भी हमारे छोटे छोटे यहाँ खेलते हैं वो बीमार हो जाते हैं। ये मस्जिद है सामने ना, ये मस्जिद है, मस्जिद का रास्ते ही नहीं, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं बंदा, कोई कहाँ से जा रहा है। मस्जिद के अंदर पानी आता है, बोरिंग करवाई हुई है, खारा पानी आ रहा है, मस्जिद में मीठा पानी नहीं आ रहा ना। क्या क्या हल नजर आता है जरा का? इस पूरे खित्ते में कोई गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी नहीं है, और जिस तरह गरीब और पसमानदा जो ज़िंदगी हमारे गरीब भाइयों की है, तो बहुत कठिन मराहल से गुजर रहे हैं। काफ़ी हद तक जो है ना सेहत के भी प्रॉब्लम है, और यकीनन बुनियादी जो ज़रूरतें हमारी हैं पानी और सेहत ही है, तो उससे हम जो है ना महरूम हैं, और अरबाब इक्तदार या इख्तियार जो भी हैं हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है। हुकूमत जब भी कोई आती है तो हमारे जैसे आवाम जो होते हैं वो उनसे ये करते हैं कि तवक्कुआत रखते हैं कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे, बुनियादी मसाइल तो हल करेंगे, लेकिन जब 5 साल गुजर जाते हैं तो हमारे मसाइल हल होने की बजाय बढ़ जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी ये हदशात की बात है कि ये चीज़ें अगर होती रहेंगी तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस इलाके में कोई भी ऐसी सड़क है जो बिल्कुल सही है? इस इलाके में कोई ऐसी सड़क नहीं है कि जिसके ऊपर आदमी किसी मरीज़ को लेके जा सके, वो अगर ना यहाँ से घर से हम एम्बुलेंस बुला के मरीज़ को अगर उस एम्बुलेंस में लेके जाते हैं तो वो रास्ते में ये सर बल्दिया से निकलते निकलते उसकी डेथ हो जाती है। सही है, मुझे बच्चे भी इतने सारे नजर आ रहे हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे? गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, बाकी स्कूलों की फीस भी नहीं दे सकते, और ये बच्चों की ये हालत है हमारे यहाँ कि ये बच्चे गरीब है, इधर घूम फिर रहे होते हैं, ना इनकी कोई तालीम का कोई ऐसा है, क्योंकि लोग ही ऐसा गरीब है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ ना, वो पानी खरीदने की झंझट से बाहर निकले, वो इस तमाम चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो वो बच्चों को स्कूल भेजने का सोचेंगे, जितना महीने का खर्चा इनका पानी का आ जाता है, अगर वो कम अज़ कम यही मुश्किल इनकी दूर हो जाए तो शायद
बच्चे जो है वो स्कूल भेजें। अच्छा, हमने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे इलीगल कनेक्शंस भी बेचे जाते हैं। बिल्कुल बेचते हैं, पैसे बहुत लेते हैं, मगर पानी तो आवे, पानी आता ही नहीं है। यहाँ जो बारिश हुई है 3-4 दिन से, मुसलसल लोगों ने छतों पे पाइप लगाए हुए अपने अपने घरों की टैंकों को बेचारे भर रहे हैं, ड्रम भर रहे हैं, वो अपना पीना भी उसी से इस्तेमाल भी वही करेंगे। और 4 दिन से मैं रेड़ी पे ठिया बिरयानी का लगाता हूँ, पानी के वजह से मेरा ठिया बंद है। ये पानी गटरों का, ढकनों में बच्चे गिर जाते हैं, बारिश हुई है, किसी को रास्ते का पता नहीं चलता, वो बच्चे गिर जाते हैं, बह जाते हैं, अंदर दब के मर जाते हैं। पूरे इलाके का यही हाल है। सही है, इस पूरे इलाके में एक तो कचरा कुंडियां बनी हुई है, बल्कि मैं अगर मैं ये कहूँ कि कचरा कुंडियों में यहाँ पे रिहायशी रह रहे हैं तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे सेहत के बहुत मसाइल हैं, सेवरेज का बहुत मसला है, उसके अलावा पानी तो यहाँ आता ही नहीं है, पानी नायाब है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। किसी भी कौम का जो मुस्तकबिल होता है वो उसकी यूथ होती है, उसकी यूथ के हाथ में ही उस कौम का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। लेकिन ये इस कौम के हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस गंदी कचरे से भरी, सर्वेज के पानी से भरी गलियों में खेलना। ये इन गलियों में खेलते हैं। ये गधा गाड़ी आपके सामने आई है, ये 500 रुपए में पता नहीं बारिश का पानी है, कहाँ का पानी है, ये आके लोगों को। सेकंड विंडो पे आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह एक गधा गाड़ी है और इस पे जो है वो पानी बेचा जाता है। तो जो लोग टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते वो मजबूर है कि 500 रुपए में वो ये पानी खरीदे। आया वो पानी किसी गटर का पानी हो, आया वो पानी बोरिंग का पानी हो, आया पानी मीठा पानी हो, या फिर वो पानी बारिश का पानी हो, क्या सोर्स है उसकी, कहां से वो पानी आया है, जाने सेहत के उसूलों के मुताबिक है या नहीं है, क्या पता वो खड्डों भर के हमारे को पिला रहे, कुत्ते भी उसमें नहा रहे होते हैं। आगे हमने कुत्तों की भी बहुत आदत देखी, कुत्तों के काटने के वाकयात हो चुके हैं, बहुत कुत्ते काटने वाले भी हैं, उससे ज्यादा ये पानी वाले जो बेचने वाले हम लोग को काट रहे हैं। भाई आप कुछ कहेंगे? बस हम ये क्या कहेंगे, यही कहेंगे पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे, बस सिंध गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि पानी। आवाम ज्यादा कोई फरमाइश नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि हमारी बुनियादी जरूरत जो है पानी वो हमें दे दो। ये कुर्बानी की जो एलाइशें हैं वो अब तक यहाँ से नहीं उठाई गई। ये इतनी आलोदगी हमारी कि ये कचरे ने दबा दिए तो हमारे बच्चे बच गए बीमार होने से, वरना यहाँ पे एलाइशें भी अब तक दबी हुई। सही है, यहाँ के रेशो का कहना है कि यहाँ पे एलाइशें भी अब तक दबी हुई है, स्टिल किसी ने अभी तक वो एलाइशें भी नहीं उठाई। कोई आता ही नहीं है जो कचरा उठाने के लिए यहाँ कोई आए, इतवार बाजार वाले आते वो पैसे दे के कचरा उठवाते। छोटा सा बाजार लगता है, गरीब लोग अपनी रोजी कमाने के लिए लगाते हैं। मस्जिद के मौजिन भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं, मस्जिद में पानी आता है? नहीं, बिल्कुल मस्जिद में पानी नहीं आता है, मस्जिद में बोरिंग हुई हुई है। अगर बोरिंग नहीं होती तो क्या होता? बोरिंग नहीं होता तो पानी का बड़ा मसला है, मसाइल थे हमारे इस इलाके में 10 साल से पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है ना, इस इलाके का कोई वारिस नहीं है। हमारे पीपल्स पार्टी वाले हैं जो सेक्टर 9A में रहते हैं, जो इस टाइम पे सदर की हैसियत रखते हैं, सदर मुंतखब हैं। ठीक है ना, वो भी अपने इलाके में पानी देते हैं और सेक्टर 9E, सेक्टर 9D, 9F इनमें बिल्कुल पानी नहीं आता। आवाम बड़ी परेशान है, यहाँ गरीब होने के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो किराए के मकान पे रहते हैं। पानी तो डालना दूर की बात, किराया भी भरना होता है, और पानी किस तरह डालेंगे आप ये खुद सोचें। हमारी सिंध हुकूमत से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि लिहाजा अब हमारे इस बल्दिया टाउन पर भी नज़रसानी की जाए, और जो ये अपना कब्जा माफिया हेडिंग वाले बैठे हुए ये बिल्कुल ख़त्म की जाए। रोज़ का कहीं पर मैंने सुना था कमो पेश 3 करोड़ का पानी बेचा जा रहा है। तो ये पहले तो इनके पास ये होता था कि डैम में पानी नहीं है, अब तो डैम में इतना पानी है कि वो पानी बाहर निकल के समंदर में जा रहा है, मगर आवाम के लिए बिल्कुल सही है। जिम्मेदारान अहदेदारान को चाहिए कि यहाँ की आवाम जिस हाइड्रेंट की शिकायत कर रही है कि आवाम को पानी नहीं मिल रहा लेकिन हाइड्रेंट पे पानी आ रहा है, बेचने के लिए पानी मयसर है, तो इसका नोटिस लिया जाए। राजन, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा
जो कचरा आपको नजर आ रहा है, जिसमें लोगों का कहना है कि यहाँ पे आलाइशें भी हैं, और उसके अलावा उनका लोगों का कहना है ये गहरा खड्डा है, अक्सर बच्चे यहाँ पर गिर जाते हैं, 10 फुट गहरा खड्डा है यहाँ के रिहायशों का कहना है, जिसमें अक्सर लोग गिर जाते हैं और फिर मिलते नहीं हैं। तो इस खड्डे को ये कचरे से भरने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे आलाइशें डाली हुई हैं, तो खुदा रहा इस गंदगी के ढेर को यहाँ से उठवाया जाए, क्योंकि बेसिकली ये ग्राउंड है, सामने ईदगाह है और बिल्कुल इसके इस साइड पर जो है वो मस्जिद भी है। मर्द हजरात ने तो बताया ये तो वो लोग हैं जो कि अपनी रोजी रोटी के चक्कर में इस इलाके से, इस जगह से दूर होते हैं, बाहर जाते हैं। ज़्यादातर जो मसले मसाइल का सामना आता है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा, सेवरेज का मसला है और बिजली नहीं है, बच्चे स्कूल में पढ़ने भेज नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल करीब है नहीं, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो तमाम जो सूरत हाल है ख़वातीन को फेस करनी पड़ती है। मैं रानी बात कर रही हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में 15 साल वोट दिलवाए, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। वोट दिलवाए मीन्स आप सोशल वर्कर हैं क्या है? खाली वोट दिलवाती हूँ इलाके के, भी अपना इलाका सही हो जाए, कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को, खाली वोट दिलवाए तो हमारे को 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ कुछ। तो कैसे वोट खरीदे, कैसे जाते हो, वोट दिलवाए कैसे जाते नहीं, मैंने तो हमदर्दी के तौर में दिया, कोई सही वो जब आपको कहते थे वोट लेकर आओ तो क्या क्या कहते थे, क्या करेंगे हम इलाके में? करेंगे इलाका सही करेंगे, पानी देंगे, आपकी गटर लाइनें बनाएंगे, मोटर इधर सब काम करा के देंगे, कुछ भी नहीं कराया, गटर ये कचरा कुंडी करवा दी सारे। सही है, देखिए नाज़रीन यही फर्क होता है शऊर और शोर में, सिर्फ एक एन का फर्क होता है कि एक जगह शोर होता है और एक जगह शऊर होता है। आवाम को ये शऊर आ जाना चाहिए कि हमारे मसले मसाइल अब किसने हल करने हैं, ये सोच कर वोट देना चाहिए, बजाय इसके कि किसी ने कह दिया जी फलां को वोट दे देते हैं, ये सोच के वोट नहीं देना, अपनी अकल का इस्तेमाल करें, अपना जो शऊर है इसका इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो है वो अपना वोट ऐसे ऐसी जमात को, ऐसी पार्टी को दें जो वाकई फिर आपके मसाइल का हल करे। आप क्या समझती है क्या हल है इन मसले मसाइल का? बस इनका हल यही है कि हमें गरीब आवाम है, हमें कोई सहूलत दें। सहूलत दे तो रहे, ये कचरा कुंडियों के अंबार लगे हुए हैं, नलकों में पानी नहीं आता तो क्या हुआ, गलियों में पानी ही पानी है, पानी आते ही नहीं है इस इलाके। अच्छा आप लोग जो टैंकर डलवाते हैं वही पानी पीने में भी इस्तेमाल करते हैं? वही करते हैं क्या, और इतनी तकलीफ है कि हम आपको बता नहीं सकते, आप हमारी गलियां आके देखें, यहाँ पे कोई गुजर नहीं सकता, गटर सारे बंद है। कभी मोहल्ले वालों ने अपनी मदद आपके तहत गलियां साफ करवाई? कितनी दफा करवाई है, आप क्या करें, आप मोहल्ले वाले कहाँ से पैसे रोज रोज दें सही करवाने के लिए? महीने का कितना खर्चा आ जाता है आपका टैंकर? 3,500 रुपए आ जाता है। मैं इस इलाके की लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, मैं हर घर जाती हूँ, लेकिन हर घर के अलग से अलग मसले मसाइल भी। सही, आप लेडी हेल्थ वर्कर हैं इस इलाके की, गवर्नमेंट की तरफ से हैं? गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो आपका ऑफिस वगैरह? जी, मेरे घर पे मेरा हेल्थ हाउस है। घर पे बनाया हुआ? घर पे बनाया है। गवर्नमेंट ने बनाकर नहीं दिया हमें, पहले प्रोवाइड किया, पहले हमें मेडिसिन वगैरह मिलती थी बुखार की, बच्चों की, सब इस बात की गवाह है, लेकिन अब हमें वो भी नहीं मिलती कि हम बच्चों को पैरासीटामोल का शरबत दे दे। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में हमें जब मेडिसिन पहले मिलती थी हमें मेडिसिन मिले, ताकि हम अपने इलाके के लोगों को मेडिसिन वगैरह दें, हॉस्पिटल कोई नहीं है और हमें जो सहूलत चाहिए वो सहूलत हमारे पास नहीं है, और इस वजह से हम भी परेशान हैं और आवाम भी परेशान है। अच्छा आप क्या कह रही थी? आपको ये कह रही थी मैं बल्दिया को पानी दो पानी दो, लेकिन हम लोगों को बल्दिया में 4 बसे भर के गए हैं। दे तो रहे पानी, हाइड्रेंट पे पानी आ तो रहा है, हाइड्रेंट में पानी आ रहा है तो 3,000 को पड़ रहा है, 50 रुपया 100 रुपया टोकन का ले रहे हैं, फिर जाके हमको पानी देते, पूरा दिन जलील होते हैं, औरतों को जलील करते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे बुला के हमको पानी मिलता है, मर्दों को जल्दी दे देते हैं, औरतों को बैठा के रखते, कोई हमारी वैल्यू उधर नहीं है औरतों का। टैंक भर जाता है आपका? आधा भरता है आधा नहीं। वो आधा टैंक आप कब तक चलाते हैं, कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन चल जाता है? चल जाता है, 2 टैंक आते हैं। लेकिन ये एक बल्दिया में जो अकबर है बड़ा एडिक वाला, ये सब उसने खर्चे डबल कर दिए हमारे। सही, अच्छा इससे पहले मैं जितने भी इलाकों में गई वहाँ पे लोग कहते थे कि हम हफ्ते में 2 टैंकर डलवाते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है और दिमाग की बात चीज मानने को तैयार ही नहीं है कि बेचारे महीने में 2 टैंकर डलवाते हैं और कैसे दो कैसे पूरा महीना गुजारते होंगे इस 2 टैंकर से, ये मतलब किस तरह सिसक सिसक के, और यही पानी वो पीते भी है, पीने के लिए कोई अलग पानी नहीं आता इनका, पीने के लिए कोई अलग पानी तो नहीं आता, यही पीते हैं, ये पीते हैं, इसी से सफाई होती क्या है, क्या करें फिर, गरीब आदमी क्या कर सकता है। यहाँ की लाचार और मजलूम आवाम किस तरह के बुरे हालात से दो चार है, ये उन्हीं का हौसला है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद यहाँ कारोबार जिंदगी जारी है, लेकिन आखिर कब तक आवाम ये सब बर्दाश्त करेगी? गुर्बत, महंगाई, जहनी उलझनों से दो चार आवाम
बुनियादी सहूलियात के लिए सिसक रहे हैं। जिम्मेदारान जो ये मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो सिर्फ जाती मफाद देख रहे हैं, लेकिन अब सबकी बस हो चुकी है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।